तो चलिए मैं आज बनाती हूँ मलाई ब्रेड रोल। और आइए जानते हैं मलाई ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें चाहिए होगा 1 कप केसर वाला दूध, घर की निकली हुई ताजी मलाई 1/2 कप, कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर और बारीक कटे हुए पिस्ता और कुछ ब्रेड। हमें ब्रेड ताजी ही लेनी है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ब्रेड के जो साइड के कॉर्नर है इसे कट कर लेंगे। ये साइड कॉर्नर जो है इसे हमें कट करना होगा, ये हम नहीं रख सकते। ऐसे करके हम साइड के कॉर्नर कट कर लेंगे। तो चलिए हमने इसे कट कर लिया है, अब इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। इसे हम फेंकेंगे नहीं, ये हमारे ब्रेड क्रम्स में काम आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसको हमने कट किया इसको हम पतला बेल लेंगे। इसको हम पतला इस तरह से बेल लेंगे, इसको बेल के हम साइड में रखते जाएंगे। इसे हमने इस तरह से बेल के रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मलाई का मिश्रण है इसे हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे। आप अपने हिसाब से इसे मीठा कम बेसी कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा मीठा कम ही अच्छा लगता है। और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, थोड़ी सी इलायची का पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स ये ब्रेड मलाई रोल बहुत जल्दी बन जाती है। घर पे कभी भी गेस्ट आए या खुद को मीठा खाने का मन हो तो ये फटाफट से हम बना सकते हैं। और ये बच्चे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये विदाउट फायर है कुकिंग है, तो आप बच्चे भी इसे आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसकी रेसिपी चालू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो ब्रेड बेला हुआ है इसके ऊपर हम मलाई का ये पेस्ट लगाएंगे। और हम इसे रोल करते जाएंगे, इसे रोल करके एक प्लेट में इसे रख देंगे। इसे इस तरह से रोल करते हुए प्लेट में रखते जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसको बनाने में हमें 5 से 6 मिनट का ही समय लगता है और बहुत ही इंस्टेंट स्वीट है, बहुत जल्दी बन जाती है। अब हम इसके ऊपर ये केसर वाला दूध डालेंगे। हमें केसर वाला दूध के लिए सिर्फ दूध में केसर भिगो के रख दिया था कुछ देर के लिए, इसमें हमने कोई भी चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है।
अब हम इसको ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही मतलब मज़ा आ जाता है इसे खा के। इसके ऊपर हम थोड़ा इलायची पाउडर डालेंगे और इसे सर्व करने से 5 से 6 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सर्व करने से पहले। तो दोस्तों तैयार है ब्रेड मलाई रोल।